नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का कोचिंग होम 24 पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल हाई कोर्ट का इस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको, आप जो है इस वीडियो में कंप्लीट उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो जो भी कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, इस पोस्ट को भरने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर का लेवल जो है वो किस तरह से आता है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी इसकी शुरू करने वाले हैं तो आपको सबसे पहले जो है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर देखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। और वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है चैनल पर आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, द ओल्डेस्ट रोकट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बिहार। तो देखिए, मेरे को अभी एक जो है रिसेंट में एक कमेंट आया था, तो उसे भी मैं यहाँ पे बता दूं कि एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर इसका एग्ज़ाम क्या इंग्लिश में आता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो 2022 में अभी जो है पेपर हुआ है वो भी जो है आपका इंग्लिश में ही इसका पेपर जो है आता है, तो हिंदी में जो है इसका पेपर नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, मिल्क शुगर इज। तो ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज, मेल्टोज और लैक्टोज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टोज। तो देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन है, इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो इको जो है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड होता है, इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर चार है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो जो आपकी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के लिए, ठीक है। उसके बाद है, हु कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। तो देखिए, इस एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन रहता है वो जीके, ठीक है, और साथ में करंट अफेयर्स और साथ में एचपीजी के जो है, एचपीजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ये सेक्शन आप इसमें अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं तो लगभग जो है आप 100 में से 60 नंबर का 60% जो है पेपर यहां से कवर कर लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सेक्शंस को आप जो है जरूर से ढंग से करके जाइएगा। देखिए, उसके बाद है, हु कॉइंड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर सात है, महात्मा गांधी वॉज रेफर टू एज द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट वाइज। द फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को फर्स्ट पहली बार किसने कहा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इनमें से जो चार आपको स्टेट्स हैं, इनमें से किसकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। तो देखिए, बिहार की भी है, उत्तराखंड की भी है, मेघालय की भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो है वो सीमा किसी जो है दूसरे राज्य देश के साथ नहीं लगती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नौ, देखिए यहाँ से, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 में जो आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है, और इस बार 2022 में जो पेपर हुआ उसमें भी जो है डेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन डे से रिलेटेड पूछा गया है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। आपको इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। और देखिए, अभी जो है साथ में कुछ एक और महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। देखिए, एक है वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस आपको ध्यान रखना है, 26 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है वीर बाल दिवस। उसके साथ ही एक होता है स्टार्टअप डे, ठीक है, स्टार्टअप डे जो है वो स्टार्टअप डे मनाया जाता है आपका 16 जनवरी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका आता है नेशनल हिंदी दिवस। तो नेशनल जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और वर्ल्ड हिंदी दिवस की बात करूँ तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये कुछ एक दिन जो है आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर नेशनल डिफेंस अकेडमी इज सिचुएटेड। तो नेशनल डिफेंस अकेडमी जो है वो ऑप्शन बी, खड़गवासला में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज इज। तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो है वो 62 ईयर्स होती है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज नोन एज मिसाइल वूमेन ऑफ इंडिया। तो मिसाइल वूमेन ऑफ इंडिया के नाम से जो है टेसी थॉमस जो है वो उनको जाना जाता है। उसके बाद है टाइड्स, यानी ज्वार जो है वो समुद्र में किस कारण से आते हैं, तो आते हैं ग्रेविटेशनल, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस के कारण, यानी
ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉमन सॉल्ट इज, जो कॉमन सॉल्ट है साधारण नमक वो है सोडियम क्लोराइड, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, NaCl। उसके बाद देखिए केमिकल विनेगर इज, तो केमिकल विनेगर जो है वो आपका एसिडिक एसिड है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए विच इज अ सोशल इंसेक्ट, तो आंट यानी चींटी जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीर, तो महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें जो है क्या नाम दिया गया, तो उनको जो ओरिजिनल जो उनके अनुयायी थे उन्हें जो है नीरग्रंथ जो है वो नाम दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खुजराहो वॉज बिल्ट एज, तो देखिए जो खुजराहो में चतुर्भुजा टेम्पल है वो यशोमन वर्मन जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो फेमस चतुर्भुजा टेम्पल है खुजराहो का वो बनाया गया था यशो वर्मन द्वारा, तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टॉम इज आउटसाइड इंडिया, तो निम्न में से किस जो ये एम्परर की जो टॉम है वो इंडिया के बाहर है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जो है जहांगीर, तो ऑप्शन डी जो है जहांगीर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और ये काफी बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए इंडिया जो है इन निम्न में से किस की जो है एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने में नंबर वन पे है, तो मीका के एक्सपोर्ट में जो है इंडिया जो है वो अग्रणी है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो है वो है आपका एशिया, ठीक है एशिया इज द राइट आंसर, और आपको स्मॉलेस्ट बताना है कमेंट में छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड में। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है ऑप्शन सी हेनरी बेकरेल जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अब कुछ एक करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो शंघाई चाइना जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए विच डेजर्ट नोन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस स्नोफॉल, तो ऑप्शन डी जो है सहारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट इज सेट टू बी लॉन्च इन विच सिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट है जिसका नाम है द जेट, तो किस ये सिटी में लॉन्च होगी, तो ये है दुबई, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है वर्ल्ड कैंसर डे, तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फेब को मनाया जाता है, और 2 फेब को जो है वर्ल्ड वेटलैंड दिवस जो है वो मनाया जाता है, तो 2 फेब को भी ध्यान रखिए और साथ में 4 फेब को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यह है, रेंकोजी टेम्पल इज इन न्यूज इन कनेक्शन विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेयर इज द टेम्पल लोकेटेड, तो जो रेंकोजी टेम्पल है वो जापान, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा एश बार्टी, एशले बार्टी पूरा नाम है इनका, देखिए एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की है, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स का जो है ओपन का खिताब जीता है, और अगर मेन की बात करें तो मेन में जो है ये राफेल नडाल ने जीता है, जिन्होंने 21वीं बार जीत कर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चन। तो उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑथर्स ट्रांसलेशन ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवल टॉम ऑफ सैंड हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो गीतांजलि श्री है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करूं तो डेजी रोमपेल जो है उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, तो हिंदी की बात करूं तो गीतांजलि श्री है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, नाटो स्टैंड्स फॉर, तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में काफी चर्चा में ये रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आना स्वाभाविक है। तो देखिए वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करूं तो 30 सदस्य देश हैं, इसकी स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, ब्रसेल्स बेल्जियम में, तो ये कुछ एक बातें जो है नेटो से जुड़ी हुई आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए अब आते हैं क्वेश्चन जो आपके हिमाचल के, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इरावती इज एन एशियन नेम ऑफ, तो किस नदी का जो है एशियन नाम जो है वो इरावती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राबी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, गोविंद सागर लेक जो है वो निम्न में से किस रिवर से रिलेटेड है, तो सतलुज रिवर से जो है गोविंद सागर लेक रिलेटेड है, और हिमाचल की सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित यानी मैन मेड जो लेक है वो गोविंद सागर लेक है, और प्राकृतिक सबसे बड़ी लेक की बात करूँ
तो वो आया है रेणुका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्राशर लेक इज फाउंड। तो प्राशर लेक जो है वो आपकी मंडी ऑप्शन बी जो है में स्थित है। तो हिमाचल के देखिए क्वेश्चन जो है इसमें आसान से पूछे गए थे। उसके बाद है, पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयस। तो ऑप्शन डी जो है लेसर हिमालय रीजन। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि स्पीति रिवर इज अ ट्रिब्यूटी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ एचपी। तो स्पीति जो नदी है वो किस हिमाचल की बड़ी नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सतलुज। उसके बाद देखिए चैडविक जो वाटरफॉल है वो हिमाचल के किस जिले में है। तो सबसे पहले तो वो शिमला में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन एचपी। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, अगर आपसे पूछे किस जिले में है तो शिमला में, तो नियर किसके है तो वो समर हिल के है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है, जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जो जयंती माता टेम्पल है वो ऑप्शन बी कांगड़ा में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। उसके बाद है, जोना फेयर इज सेलिब्रेटेड इन एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जोरना जो फेस्टिवल है, जो मेला है, वो मनाया जाता है चौपाल में, शिमला में। ठीक है, चौपाल शिमला में। उसके बाद देखिए, ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर इन लाहौल इज इन एच पी वॉज। ठीक है, जो ओल्ड नेम है उदयपुर का जो कि लाहौल में है वो क्या था, तो मृकुल था। ओल्ड नेम किसका, उदयपुर का। तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द राइटर ऑफ बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। तो देखिए इसका राइटर कौन है, तो ऑप्शन सी जो है एपीएफ हार्कोर्ट। उसके बाद सुकेती फोसिल पार्क कहाँ पे है, तो सिरमौर में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर एंड डिलीवर्ड अ स्पीच। तो 1939 ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो ऑप्शन ए जो है फिरोज शाह तुगलक जो है, तुगलक इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा खड फ्लोज इन। देखिए मारकंडा खड जो है, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मारकंडा खड जो है वो सिरमौर, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, नाको लेक इस कहां पे है, नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो वो है ऑप्शन ए किन्नौर। तो उसके बाद देखिए ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 46 को, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन जो है डज नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स। तो कौन से निम्न में से ऑप्शंस हैं जो टाउन है वो जो है आपकी शिवालिक हिल्स में नहीं आते हैं। तो आपका चंबा भी है, जोगिंदर नगर भी है, पालमपुर भी है, और आपका ऑप्शन डी जो है मनाली शिवालिक हिल्स में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, कैटल ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड एट, तो कहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी नादौन हमीरपुर में नहीं है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 48 आएगा। देखिए सुकेत जो स्टेट है उसके फाउंडर कौन थे, तो वीर सेन जो है इसके फाउंडर थे। उसके बाद देखिए, थाना प्लोन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, हु रोट द बुक एचपी इट्स शेप एंड स्टेट। तो ये लिखी है बाईएस परमार, हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री ने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड इन चंबा। तो इनमें से कौन सा वाटरफॉल आपको बताना है जो चंबा में स्थित नहीं है। जो दांचनो है वो भी चंबा में है, काली का कुंड भी, सतधारा भी जो है, तीनों ये जो है वो चंबा में है, लेकिन आपका जो रहला है वो चंबा में नहीं स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि जो रहला है वो कहाँ पर स्थित है। उसके बाद नंबर क्वेश्चन नंबर 52 है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। तो कौन थे, स्वामी पूर्णानंद। तो स्वामी पूर्णानंद जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, विच पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति। तो कौन सा पास जो है दर्रा लाहौल और स्पीति के बीच लाई करता है, तो कुंजुम ला। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज इनोग्रेटेड इन द ईयर ऑफ। तो कब था, 1903 में। काफी आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हिमाचल जीके के जो है वो काफी आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैज बीन established in all district except। तो इनमें से आपको बताना है किस जो डिस्ट्रिक्ट में सॉइल टेस्टिंग लैब नहीं है। सिरमौर में भी है, सोलन में है, किन्नौर में है, लेकिन लाहौल स्पीति में नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए, विच मॉनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज अजंता ऑफ हिमालयस। तो किसे जाना जाता है, ऑप्शन डी ताबो को। आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट स्पीकर ऑफ
हिमाचल प्रदेश विधानसभा। तो हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर थे वो थे पंडित जयवंत राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपके अब आगे भी जो एग्जाम आएंगे उनमें भी ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा कि हिमाचल प्रदेश ने जो है पहली बार विजय हजारे टाइटल जीता है, और विजय हजारे टाइटल जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, और किसे हराकर ये खिताब जीता है, तो ऑप्शन डी तमिलनाडु को हराकर जो है हिमाचल प्रदेश ने अपना पहला जो है विजय हजारे टाइटल जीता है। तो विजय हजारे टाइटल 2021, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल से जुड़ा हुआ है और हिमाचल में पहली बार हुआ है ऐसा कुछ, तो ये जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला जिले की सबसे हाइएस्ट पीक इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन डी जो है वो चांशल इसकी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पिशु डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो पिशु डिस्ट्रिक्ट जो है वो किन्नौर में है। हाटू की बात करूं तो हाटू जो है वो शिमला में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है, देखिए 60 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर जीके और आपका जो है एचपीजीके के पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, स्लूनी मेज टू गेट जीआई टैग इट इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबा। तो देखिए अब आपको जो है आप करंट अफेयर हिमाचल के तो आप देखिए इंडिया के तो आप आसानी से कर लेंगे, मैगजीन्स भी आपके पास काफ़ी सारी होती हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन हिमाचल के जो है करंट अफेयर कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए हमने जो है हिमाचल के जो है जनवरी से लेकर अगस्त तक जो है 2 अगस्त 2022 के जितने भी करंट अफेयर हिमाचल के बनते हैं उसकी एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, चैनल पर आप जाके देखें, उससे आप जो है मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है वहां से कवर होंगे, तो वो आपके इस एग्जाम के लिए जो है काफी हेल्पफुल होंगे। आपको पता है कि हिमाचल के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है अब जो है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वहां से आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये था आपका जो एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम जिसका हमने जो है कवर किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी वीडियो जो है आगे चैनल पर आती रहेगी डिटेल में, जो है आपके मॉक टेस्ट और आपको जो है स्टडी मटेरियल चैनल पर मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।